जब हम घटक एनडीए के घटक दलों में शामिल हैं तो निश्चित रूप से हम घटक दलों के साथ चुनाव लड़ने का 2025 चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे। तत्व इस समाज में ऐसे हैं जिनको संविधान से नुकसान है तो फिर निश्चित रूप से वो संविधान बदलने की बात करते हैं जी, लेकिन किसी के चिल्ला लेने से जी, आपने देहात में कहावत सुना है जी, कि किसी समाज के व्यक्ति से कहने से कोई जानवर नहीं मरता जी, बात समझ में आ रही जी, है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कुछ भी कहने की आजादी है जी। आप देख रहे हैं केवल सच। लहराने का काम किसने किया? आपने देखा कि बहुत सारे नेता जो है माला पहन करके घुमा करते थे जो है प्याज और टमाटर का जी, जी। महंगाई बढ़ाने का तो कांग्रेस ने ही काम किया ना, महंगाई के मुद्दे पर बात करके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने जी, जी। तो महंगाई जो है जनसंख्या के आधार पर जो है महंगाई को क्या कहते हैं बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के का कांग्रेस 55 साल देश को सर लूटा दोनों हाथों से जी, ये सर सभी बीजेपी आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस ने लूटा? नहीं तो सर आप इस बात को पहले स्वीकार कीजिए, आप इस बात को मानते हैं पत्रकार साहब कि कांग्रेस ने इस देश को लूटा? आप ही की घटक दल बीजेपी जो भारत की बड़ी पार्टी है सर, वो कहती है कांग्रेस दोनों हाथ से 55 साल लूटा। फिर भी सर कोई भी 1974 में कितने समर्पित हुए, जैसे कल्पनाथ राय विश्व स्तर पर। सर मेरी बात तो सुना जाए, जब दोनों हाथ से 55 साल लूटी फिर भी कोई भी चाहे रेलवे हो डाक हो बदरगाह हो सर प्राइवेट नहीं किया और ये सर कर रहे हैं, इसका मतलब इस बात क्या करना चाहिए? इकोनॉमी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो सरकारें रहती है वो अपने अनुसार जो है काम करती है जी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाइएगा सरकारी कर्मचारी जो है वो कुर्सी के आगे जो टेबल लगता लगा रहता है उसके ऊपर पैर रख करके जो है और जनता के सवालों का जवाब न देते हुए जो है वो लात मार करके और बाहर निकाल देता है जी जी। लोकतंत्र में जो है जनता मालिक होती है, आपने देखा है कांग्रेस के शासन काल के दौरान आपने देखा महंगाई तो चरम पर थी ही, अफसरशाही कितनी बेलगाम थी जी। आप इस चीज को समझिए ना, आपके अधिकारों का गला घोटा जा रहा था, आप इस चीज को समझिए ना। इस देश में अभी तो श्री मोदी ने 10 साल का शासन काल बिताया है जी। और वो 60 साल का 55 साल 50 साल का शासन काल जिसने बिताया है सर, जब 10 साल में इन्होंने रेल बंदरगाह सब सब प्राइवेट कर दिए, करोड़ों नौकरियां सर छूट गई लोगों की, फिर भी सर आप कह रहे हैं कि घटक दल है हमारा सर और मोदी के साथ है सर। आपने सही बात कहा कि बंदरगाह बेच दिया जी, बंदरगाह को कहां बेचने में और व्यवस्थाओं को देकर के ठेकेदारी प्रथा को चला करके जो है इनकम करके और इस लोकतंत्र को बचाने में इस चीज को, ये केवल सच के सवाल नहीं है, आम जनता में ऐसी चर्चाएं हैं सर। आम जनता की चर्चाएं, अगर आप इस चीज को समझिए पत्रकार साहब, अगर आम जनता की चर्चाएं रहती तो माननीय प्रधानमंत्री को दूसरी बार ही प्रधानमंत्री बनने नहीं देती, जबकि तीसरी बार जनता ने कमर कस लिया है जी। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन जो है वो विकास का विजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सोच समझ के कोई भी अगला कदम उनका होता है। आम जनता में ये भी चर्चा है कि 2019 में 17 लाख ईवीएम का सर पता ही नहीं चला, उसका जांच ही नहीं हुआ सर, ये कहां तक सच्चाई है? ये देखिए, ये अंदरूनी जो है भारत की व्यवस्था और वहां का क्या कहते हैं आईबी जानता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप इस बात को, लोकतंत्र है, हम यहाँ के सजग प्रहरियों में हम भी एक शामिल हैं जी। ये आईबी का रिपोर्ट आप आईबी से पूछ लीजिए कहाँ है जी। आप सीबीआई से पूछ लीजिए कहाँ है जी, जी। ये आपके पास ये संवैधानिक संस्थाएं इस भारत देश में है, मान्य नेता जो है इसका जवाब नहीं दे सकते, आपके पदाधिकारी हैं, इस चीज को लोकतंत्र है। और दूसरी बात आपको बता दूं, अगर जनता नाराज रहती या 2024 में अगर जनता निश्चित रूप से नाराज होगी तो माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। सर ये सूरत वाला और इंदौर का सर मामला क्या चल रहा है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे? मामला जो है चलते रहता है, मामला सूरत उसका हमको उसका क्वेश्चन कीजिए क्या चलता है, उसका हम निराकरण आपको जो है बता रहे हैं। रिजल्ट निकल गया सर, कोई बीजेपी का लीडर जीत हासिल कर ले ऐसी घोषणा हो गई? देखिए, जीत हासिल कर लेना, अगर मान लीजिए कि वहाँ 4 प्रत्याशी है और 3 प्रत्याशी वहाँ नामांकन अपना वापस कर लेता है तो क्या कहते हैं जो लड़ने वाला है उसी को ना जीत मिलेगी, तो ये आप इस बात को कहाँ बोल रहे हैं, यही तो लोकतंत्र की सच्चाई है जी। लोकतंत्र इसी में तो लोकतांत्रिक लोग और लोग इस लोकतंत्र में रहने वाले लोग विश्वास करते हैं जी। आप
पहलवान ए भाई एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, अखाड़े में अगर दो पहलवान उतरता है, एक पहलवान माफी मांग के अखाड़े से नीचे उतर जाता है तो दूसरे पहलवान की जीत हो जाती है जी। वो प्रथम पहलवान कहलाता है। तो इस बात को समझिए ना, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में गैर संवैधानिक कोई भी काम नहीं हो सकता। इसका मतलब सर जो ये रिजल्ट आया है सूरत का, ये संविधान के अनुसार है और लोकतंत्र संवैधानिक है। जी जी जी, संवैधानिक है। और साथ ही यही सर कि मतलब आप ये जो एस सी एस टी के आरक्षण खत्म करने के संबंध में आपकी पार्टी नहीं है, नहीं, पूरी तरह से, लेकिन चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में साथ में है ना सर? 2024 में हमारी पार्टी, हम घटक दलों में है तो भाई साथ है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में हमारे माननीय नीतीश कुमार हमारे अगुआ जो है एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। अब रही बात आरक्षण की, बात बार बार आपने कहा, किसी के अंदर वो बुत्ता नहीं है। स्वयं राष्ट्राध्यक्ष भी, हालांकि उनको तो ऑल इन ऑल पावर है, राष्ट्राध्यक्ष को जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, इस लोकतंत्र का सजग प्रहरियों में सबसे प्रथम नागरिक के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये बातें अगर राष्ट्रपति कहते कि हम लोकतंत्र को, लोकतंत्र में जो है संविधान को खत्म कर देंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की कुर्सी जाएगी। मैंने सर आपके कहने का मतलब ये सब लोकतंत्र में अफवाह है। अफवाह है जी, ये सब संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये सब संभव नहीं। अगर होता है तो जदयू समय समय पर लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को और सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने के लिए संवैधानिक तरीके से जो अनुच्छेद हैं जी उस पर सरकार जो है विचार करती है, और सरकार को अगर लगता है, ये सबसे पहले उसकी एक समिति गठित की जाती है जी, और उस समिति के तहत राष्ट्राध्यक्ष के पास टोटल समिति का कागजात जो है वो मुहैया कराया जाता है जी, उस पर इस देश का सुप्रीम जी जो है लोकतंत्र का जो कुर्सी पर बैठा हुआ राष्ट्रपति है, उसके बाद जो है इस देश में लोकतंत्र को बचाने में जो है कोर्ट है जी जी, सुप्रीम कोर्ट है जी जी, तो ये जब तक ये दोनों लोग निर्णय नहीं लेंगे तब तक संवैधानिक कोई भी व्यवस्था या उसकी एक अनुच्छेद को, उसकी एक धारा को बदलने का मंच पर चढ़ करके चिल्ला देने से आपको लगता है क्या भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा हो सकता है क्या कि भारतीय संविधान को या किसी भी देश का संविधान को जो है खत्म किया जा सके? सर हमारे दर्शक और समझ गए सर, ये आरक्षण एक हवा है सर, ये सब गलतफहमी है सर। धन्यवाद सर, मैं हूँ बिंदाचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। भारत में फैल रही है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये गैर राजनीतिक लोग, माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तत्व कुछ देखिए, कुछ तत्व इस समाज में ऐसे हैं जिनको संविधान से नुकसान है तो फिर निश्चित रूप से वो संविधान बदलने की बात करते हैं जी, लेकिन किसी के चिल्ला लेने से जी, आपने देहात में कहावत सुना है जी कि किसी समाज के व्यक्ति से कहने से कोई जानवर नहीं मरता जी, बात समझ में आ रही जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कुछ भी कहने की आजादी है जी, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि लोकतंत्र, भारतवर्ष एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है जी, एक मजबूत देश है जी, जिसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहते हैं एक इतना बड़ा मजबूत संविधान दिया है, उसमें सबके हक की बात है। मूर्खों की जमात का कुछ हिस्सा संविधान को बदलने की बात कर सकती है क्योंकि उसको अपना लाभ नहीं, मैं कहता हूं जो कहता है समाज में संविधान को जो है भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज को बदल दीजिए, लोकतंत्र संविधान को बदल दीजिए, संविधान तो जिसके पास 500 एकड़ की जमीनें हैं गरीबों में बांट दे, संविधान बदल जाएगा। जब सर संविधान बदलने की बात गलत है तो माननीय प्रधानमंत्री ने अब तक क्या कदम उठाए? माननीय प्रधानमंत्री अभी देखिए, अभी माननीय आदर्श चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है जी, इसके बाद जो भी अगर जो भी सरकार बनती है जी, हम पूरी तरह से एनडीए सरकार को बनाने में मेरी पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। बिहार में जो है, हम बिहार में बसते हैं जी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है जी, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं में समर सत्ता कायम करने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा अपने बिहार में क्या कहते हैं धरातल पे लाते हुए मुख्यमंत्री को आपने देखा, ये पूरा समाज देख रहा है। सर एक जानकारी दीजिए, 2025 जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या ये एनडीए गठबंधन में? देखिए समय के साथ, अभी तो हम एनडीए के घटक दलों में हैं जी, तो आने वाले समय की बात हम कैसे कह सकते हैं, और जब हम घटक एनडीए के घटक दलों में शामिल हैं तो निश्चित रूप से हम घटक दलों के साथ चुनाव लड़ने का 2025 चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे जी। निश्चित तौर पर यह होगा, हम किसी को छोड़ करके चलने वाले नहीं हैं, जो हमारी पार्टी में आता है
हमारे जनता दल यूनाइटेड का जो साथी बनता है उसका स्वागत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है। अच्छा सर एक सवाल कि 2024 में अगर तीसरी बार सरकार आती है केंद्र में बीजेपी की और आरक्षण समाप्त करती है, 2025 में सर विधानसभा का चुनाव है, उसमें सर आपकी पार्टी क्या सोचेगी? हमने कहा ना, आपने देखा और अभी एनडीए के गठबंधन के हमारे मुख्य नेता और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। अगर श्री नरेंद्र मोदी ने दो बार अपने शासन काल के दौरान इस भारतवर्ष का इतिहास को बदलने का उन्होंने जो है किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जी। जिसकी जितनी भागीदारी ये क्या कहते हैं जनसंख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी है जी। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो है लागू करने का प्रयास किया। अब रही बात संविधान बदल देने की, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी के अंदर वो बुद्धता नहीं है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भारतीय संविधान को बदल सके। ये टेढ़ी खीर है, ये क्या कहते हैं सूर्य के समान दिया सूर्य के सामने दिया दिखाने के समान है और दिन में खुली आंखों से सपना देखने के समान है। ये गलत चीज है और इसका कभी माननीय मुख्यमंत्री और बिहार तथा इस देश के जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं निश्चित रूप से वो जान लीजिए कि बागी हो जाएंगे। इस तरह की चीजें ये संभव ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, आपने देखा है कि हम क्या स्वयं जो है बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर आ जाते हैं तो संविधान को नहीं बदल सकते। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एनडीए की गठबंधन की सरकार बनवाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार में हाथों को मजबूत करिए। तो सर तीसरी बार सर ये जब सरकार बनती है तो महंगाई और सर आगे आप लोग ले जाइएगा, ये कहां संभव है? देखिए महंगाई का मुद्दा जहां तक है, जनसंख्या अगर बढ़ती है जी, आपने इससे पहले नहीं देखा महंगाई का परचम लहराने का काम किसने किया? आपने देखा कि बहुत सारे नेता जो है माला पहन करके घुमा करते थे जो है प्याज और टमाटर का जी। महंगाई बढ़ाने का तो कांग्रेस ने ही काम किया ना। महंगाई के मुद्दे पर बात करके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने जी, जी। तो महंगाई जो है जनसंख्या के आधार पर जो है महंगाई को क्या कहते हैं बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के जी। कांग्रेस 55 साल देश को सर लूटा दोनों हाथों से जी। ये सर सभी बीजेपी आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस ने लूटा? नहीं तो सर आप इस बात को पहले स्वीकार कीजिए, आप इस बात को मानते हैं पत्रकार साहब कि कांग्रेस ने इस देश को लूटा? आप ही की घटक दल बीजेपी जो भारत की बड़ी पार्टी है सर, वो कहती है कांग्रेस दोनों हाथ से 55 साल लूटा। फिर भी सर कोई भी 1974 में सर 69 में कितने समर्पित हुए, जैसे कल्पनाथ राय विश्व स्तर पर। सर मेरी बात तो सुना जाए, जब दोनों हाथ से 55 साल लूटी फिर भी कोई भी चाहे रेलवे हो डाक हो बदरगाह हो सर प्राइवेट नहीं किया और ये सर कर रहे हैं, इसका मतलब इस बात क्या करना चाहिए? इकोनॉमी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो सरकारें रहती है वो अपने अनुसार जो है काम करती है जी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाइएगा सरकारी कर्मचारी जो है वो कृषि के आगे जो टेबल लगा रहता है उसके ऊपर पैर रख करके जो है और जनता के सवालों का जवाब न देते हुए जो है वो लात मार करके और बाहर निकाल देता है जी जी। लोकतंत्र में जो है जनता मालिक होती है, आपने देखा है कांग्रेस के शासन काल के दौरान आपने देखा महंगाई तो चरम पर थी ही, अफसरशाही कितनी बेलगाम थी जी। आप इस चीज को समझिए ना, आपके अधिकारों का गला घोटा जा रहा था, आप इस चीज को समझिए ना। इस देश में अभी तो श्री मोदी ने 10 साल का शासन काल बिताया है जी। और वो 60 साल का 55 साल 50 साल का शासन काल जिसने बिताया है सर, जब 10 साल में इन्होंने रेल बंदरगाह सब सब प्राइवेट कर दिए करोड़ों। मैं हूं बिंदा सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। डॉक्टर सैनी साहब एक चर्चित चिकित्सक के साथ समाजसेवी भी है सर, आप लोग सभा चुनाव पे क्या कहना चाहेंगे? आपका केवल सच में स्वागत है। पत्रकार साहब आप इस देश के तीसरे चौथे स्तंभ हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ क्योंकि आप एक समाज के आईना है और 2024 की जहां तक रही बात जी, आप इस बात को जरूर जानते हैं जी कि राजतंत्र के बाद इस भारत देश में एक ऐसे दलित के बेटे का उदय हुआ जिन्होंने अपने संघर्षों की बदौलत ये साबित कर दिया कि भारत का
जो भारत में बसने वाले जो लोग हैं। सर हम डॉक्टर अंबेडकर साहब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही जा रहा हूँ पत्रकार साहब, इस बात को समझिए। नहीं सर, बक्सर 33, बक्सर संसदीय क्षेत्र 33 के बारे में सर, जो लोकसभा चुनाव 24 चल रहा है सर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही जा रहा हूँ, आप पत्रकार साहब थोड़ा सब्र तो रखिए। जी जी जी, एक गरीब के घर के बेटे ने इस भारत का इतिहास रचने के बाद आजादी के 74वें साल बीत गए और इस भारत को एक सुंदर सा संविधान दिया जी। और उस संविधान में राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में विच्छेद बता करके जी, राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कर दिया इस देश जी। आप घबरा जाते हैं पत्रकार लोग, सुनना सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, अब 2024 सर, लोकसभा 2024 में बक्सर संसदीय क्षेत्र की स्थिति सर क्या है ये बताइए सर, आगे की सवाल सर तो आगे है। बक्सर संसदीय क्षेत्र की स्थिति, हम NDA के घटक दलों में है, हमारी पार्टी जो है तो क्या सर, माननीय गृह मंत्री की जो सर ये बातें है कि जैसे ही तीसरी बार हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमको आरक्षण बर्दाश्त ही नहीं है, इसका मतलब सर आप उसके ये सपोर्ट कर रहे हैं? ना ना, आप देखिए, माननीय गृह मंत्री इस देश के जो है अमित शाह जी का जो बयान रहा है वो हमारे घटक दलों में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के शासन काल में जो है जी, आपने देखा दूसरी बार उसमें गृह मंत्री है जी, एक उच्च क्या कहते हैं पदस्थ मर्यादा का ख्याल उनको है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भी समाज के लिए एक जुमला होगा जी, राजनीति के लिए एक जुमला होगा जी। तब रही बात की SC ST OBC का जो आरक्षण खत्म करने की बात जी, उन्होंने मंच से कहा है हमारे पार्टी का उस बिंदु विषय पर कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सर आप तो घटक दल, हमारे हम घटक दल में हैं, ये कोई जरूरी थोड़े, हम घटक दलों में हैं जी जी, हम हमारे हमने विलय नहीं किया है, विचारधाराएं जो है अगर नहीं मिलेगी तो अलगाव भी होता है, क्यों होता है आपने देखा है सर, एक मिनट अब रही बात, थोड़ा सुनने का प्रयास किया जाए, थोड़ा सुनने का प्रयास जी जी। मैं बता दूं आपको, हमारी पार्टी ने समरस समाज की कल्पना की है, माननीय नीतीश कुमार के शब्दों में आपने सुना है, यहाँ पे समाजवाद की पृष्ठभूमि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा अभी भी जिंदा रखी गई जी, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम में जो राइट पहले होता था 90 से एक दशक के बाद जो है 5 तक आपने देखा, इतने दिनों के शासनकाल के दौरान जो है अपहरण लूट हत्याएं और ये जो हुआ आपने देखा बिहार में। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आरक्षण के मुद्दे पर अगर मैं इसका इसके पक्ष में रहता तो फिर बिहार में आपने देखा कि जातीय जनगणना कराया, इसका क्या मतलब है? माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेट में सबसे पहली बार भारत देश में बिहार भी बसता है और बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले माननीय नीतीश कुमार सर्व समाज की कल्पना करते हैं, और इस बयान की बात आप बार बार घबरा करके इस बयान को आप पूछ रहे हैं जी, बिल्कुल। हमारे माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनका विजन सबका साथ सबका विकास, अगर उन्होंने जो है राजा भोज का साथ तो कम दिए हैं, लेकिन गंगुतेली का साथ बहुत बड़े पैमाने पर दिया है उन्होंने। और आप इस बात को समझिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कभी भी बिहार में इस तरह का माहौल पैदा नहीं किया कि लोग उनके ऊपर कोई टिका नहीं कर सके। कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप घटक दल हैं, वो भी गृह मंत्री, भारत गृह मंत्री आरक्षण समाप्त कर देंगे इसमें सर... आरक्षण के मुद्दे पर हमारी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है, निरीहों के पक्ष में है, और हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से जो है समरस समाज और समानता की बात करती है। अच्छा सर, एक और चर्चाएं हैं कि अगर तीसरी बार बीजेपी केंद्र में सरकार बनती है तो संविधान बदलने की बात हो रही है। आपने सुना नहीं श्री मोदी ने क्या कहा? कि स्वयं अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान को नहीं बदल सकते। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सजग प्रहरी आज भी इस समाज में जिंदा हैं, और आपको लगता है कि संविधान बदलने वाले को ये लोकतंत्र के प्रहरी जो है छोड़ेंगे? पत्रकार साहब, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है सर। तो माननीय प्रधानमंत्री
संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। ये पूरा भारत, ये पूरा राष्ट्र मानता है। इस देश में क्या पूरे विश्व में जो है अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ के हर राजा राजा नहीं बल्कि वहाँ का हर जो है पीएम और सीएम और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी इस चीज को मानता है। तो ये बात जो रूमर भारत में फैल रही है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये गैर राजनीतिक लोग, माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तत्व कुछ देखिए, कुछ तत्व इस समाज में ऐसे हैं जिनको संविधान से नुकसान है तो फिर निश्चित रूप से वो संविधान बदलने की बात करते हैं जी। लेकिन किसी के चिल्ला लेने से जी, आपने देहात में कहावत सुना है जी, कि किसी समाज के व्यक्ति से कहने से कोई जानवर नहीं मरता जी। बात समझ में आ रही जी, है? बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कुछ भी कहने की आजादी है जी। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि लोकतंत्र